ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਪੀਏ ਮੀਨੂ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਕੱਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਮੀਨੂ ਪੰਕਜ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 6 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ। फिलहाल मुलजम पुलिस की भाल तो बाहर है पर उसकी भाल लई थां थां छापे जरूर मारे जा रहे हैं। भ्रिष्टाचार मामले दे विच हुण तक साबका कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू अते एक ठेकेदार तेलू राम की गिरफ्तारी हुई है। श्री मुक्तसर साहिब तो खबर है जिथे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर का जाली पीए पुलिस ने काबू कर लिया है। डॉक्टर बलजीत कौर का पीए बन के अध्यापक लगवाने के बदले इसने 10 लाख रुपये की ठगी मारन की कोशिश की। इसके दोष हेठ एक नौसरबास को भी मुक्तसर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पछाण गुरमीत सिंह वासी कोलियां वाली वजों हुई है। लोक इंसाफ पार्टी के मुखी और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की जमानत अर्जी से अज सुनवाई होगी। बैंस ने जबर जनाह मामले दे विच जमानत लई अदालत विच अर्जी लाई है। पंजाब के सनअती शहर लुधियाणा विच नहर ते बने रहे विवादित फ्लैटां की फाइल गुम होने के मामले विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही सुनवाई करन दी मंग तहत जिला अदालत विच एक पटीशन दायर की गई सी जिसते कल सुनवाई हुई ते जज ने मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर ते पा दिती है। पिछली सुनवाई दौरान जेल च बंद नवजोत सिंह सिद्धू पेश नहीं हुए सन ते इस बार नवजोत सिंह सिद्धू दे वकीलां ने सुरक्षा कारणां करके सिद्धू नूं लुधियाणा ना बुलाउण ते मामले दी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं करवाउण दी मंग कीती जिसनों अदालत ने मंजूर कर लिया। तो हुण 17 तरीक नूं नवजोत सिंह सिद्धू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राहीं भी पेश होणगे जां फिर नहीं ये 17 तरीक नूं देखदे आं। इन्हां सारे घोटालिया के दरम्यान जे गैर कानूनी माइनिंग की गल नहीं करांगे तो गल सिरे नहीं चढ़ती। पठानकोट तो खबर है जिथे हिमाचल प्रदेश वालों गैर कानूनी तौर पर रेता बजरी लिया टिप्पर ट्रकां ट्रालिया की चैकिंग लिए जिला पठानकोट के डीसी हरबीर सिंह की अगवाई हेठ टीम ने सांझी मुहिम तहत मंगलवार अद्धी रात को कार्रवाई की। इस दौरान कई ड्राइवर ने अपने वाहन भजा ले। परमानंद नेड़े एक वाहन ने तो डीसी की गड्डी फेट मारन की कोशिश की पर उन्हां दी गड्डी पलटन तो बच गई। फेट मारन की कोशिश करने वाले ट्रक का ड्राइवर मौके तो फरार हो गया पर ट्रक पुलिस ने जब्त कर लिया है। तो दूजे पासे पंजाब दे विच ईडी की पड़ताल वध रही है ते ईडी की पड़ताल वधन दे नाल नाल अफसरशाही की घबराहट भी वध रही है। ईडी ने मंगलवार को सूबे के घर ते आबकारी कमिश्नर वरुण रूजमा ते विभाग के संयुक्त कमिश्नर नरेश कुमार दुबे के घर छापा मारिया जिस तों बाद अफसरशाही दे विच हलचल हो गई है क्योंकि पंजाब दे विच पहली बारी होया जदों किसी सरकारी नीति संबंधी केंद्रीय एजेंसी खास करके ईडी के निशाने ते अधिकारी ही आ गए हुण। कल पूरे देश दे विच इनकम टैक्स विभाग ने गैर मानता प्राप्त सियासी पार्टियां ते दफ्तरां ते भी छापेमारी की। सूत्र दसदे ने कि गुजरात दिल्ली यूपी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ते हरियाणा समेत कुछ होर सूबयां दे विच इनकम टैक्स विभाग ने 110 टिकाणियां दी तलाशी लई है। आमदन कर विभाग ने राजस्थान के गृहमंत्री गजेंद्र यादव नाल जुड़े कई टिकाणियां ते भी छापेमारी की।